हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में सरोसर महुआ वाले। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति, जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जो आप लोग कहते हैं कि हमको ये त्रिकोणमिति नहीं आता है या ये है, आज हम लोग बेसिक क्लास में आए। इस बेसिक क्लास में देखेंगे कि हम लोग जो आज छोटा छोटा बताएंगे ना, इसमें आप कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बना लेंगे। आज हम लोग देखते हैं जिसको कहते हैं समकोण, इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। यह होता है समकोण त्रिभुज। पहले इससे पहले जान लेते हैं कोण त्रिकोण मिति, मतलब त्रिकोण मिति का मतलब होता है ट्रायंगल वाले जो त्रिकोण, और मिति मिति का मतलब होता है मापना। इसमें देखते हैं कि ये होता है 90 डिग्री का होता है, और इसमें क्या होता है कि ये त्रिकोण मिति होता है 180 डिग्री का, जिसमें अगर ये 90 का हो गया तो ये मान लीजिए यहाँ 45 का अगर हो गया तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 का हो गया तो ये 30 का होगा, किसका होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग त्रिकोणमिति में आ रहे हैं, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे थीटा थीटा लगा, अगर यहाँ थीटा हो रहा है तो इस पे थीटा के ठीक सामने वाला संख्या, इसको कहते हैं लंब। आइए हो गया 90 डिग्री का जो है, इसमें कहते हैं इसके ठीक सामने वाले को कहते हैं कर्ण, और नीचे वाले हो गए आधार। आधार अब इसका त्रिकोणमिति में इसका आता है 6 अनुपात होते हैं, इसमें 6 अनुपात में आपको अनुपात बताते हैं। पहला अनुपात इसको देखते हैं कि अगर लंब बटा इसको भाग दे सकते हैं आधार से, लंब को कर्ण से भाग देंगे, 6 अनुपात ही डाल देते हैं, आते हैं कर्ण बटा में क्या है लंब, फिर आता है कर्ण बटा में आधार। अब देखते हैं कि आधार बटा में आ जाएगा कर्ण, और आधार बटा में आता है लंब, इसको हम इससे भाग दे सकते हैं। ये हो गया, देखिए ये आपका 6 अनुपात है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात। अब कहता है कि भाई अब इसको जो लिखे हैं लंब बटे आधार, अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कह देते हैं टैन थीटा, मतलब इस प्रकार से इसका नाम दिया गया, टैन थीटा हो गया, ये आपका हो गया लंब साइन थीटा। चलिए इसका एक हम आपको बताते हैं, इसको ट्रिक एक बताते हैं जिससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, लाल कक्का ये हो गया आपका, इसको कहते हैं एल, ये हो गया लंब और ये कर्ण, ठीक है, इसको कहते हैं लंब बटा में कर्ण हो गया, तो इसको कहते हैं साइन थीटा। ये हो गया आपका आधार बटा में कर्ण, इसको कहते हैं साइन कॉस थीटा, और ये हो गया आपका लंब बटा में आधार, इसको कहते हैं हम लोग टैन थीटा। जब हमको ये तीन को याद है तो तीन के बाद तो तीन हमको पता हो जाएगा कि तीन के बाद 6 कैसे लाना है, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट होता है, कैसा होता है आपको हम अभी बताते हैं। चलिए इसको पसंद बोर्ड को साफ करते हैं, आपको 6 अनुपात बता दें जिसमें हो गया साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा जो सब कुछ पता है अभी, टैन थीटा। अब देखिए तीसरा में आता है सेक थीटा, आ गया सेक थीटा, कॉट थीटा, और हो गया यहाँ पे कॉस सेक थीटा। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये 3 लड़कियां हैं, चलिए ये 3 लड़का है और ये 3 लड़कियां है। अब इसको बोल दिया जाए कि भाई आप अपने अपने पसंद की लड़की लिखो, तो सबसे पहले करने में क्या आता है साइन, तो इसको साइन को फैसिलिटी मिला कि भैया देखो कि आप इसमें से पहले डिसाइड कर लो कौन सा है चाहिए। तो इसने देखा कि यहाँ से लेकर आया, देखा कि भाई ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, इसको हम कंप्लीट कर लें,
अब ये कॉस आता है, कॉस कहता है कि नहीं, हम जिससे करेंगे विवाह करेंगे उसको देखते हैं पहले गुण मिलेंगे, जो हमसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें आया यहाँ पे लिखा है सी ओ एस सी ए साइन कॉस, इसमें देखिएगा कि कौन सा रहा है सेक, ये मिल रहा है, इसको कह रहा है कि चल भाई हमको ये कर दो। तो टैन रहता है टैन थीटा, अब ये कह जाता है टैन टैन, ये आपने दोनों इसमें मिला लिया। अब देखिए इससे पता क्या चल रहा है कि साइन थीटा किसका ओपोजिट हो गया, कॉसेक का, कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा किसका ओपोजिट हो गया, सेक थीटा का, और टैन थीटा हो गया किसका, कॉट का, कॉट थीटा। अब देखिए कि अब एक दूसरे का क्या हो गया, एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि साइन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है वन। इसमें तीन क्वेश्चन आते हैं, इसे जो भी रहेगा इंटू भी उसका, इसमें क्या आता है कि ये अगर गुना में मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो भाग में, कर्टू के पास जाएगा तो भाग में चला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा और इसको बोलेंगे, ये इसको भेजेंगे कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, कर्टू वन बटा में कॉसेक थीटा, एक हो गया, एक निकल गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आता है, लिखते हैं तीसरा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू वन जहां है वहां रहेगा और ये साइन है, ये साइन इसे चलेगा, ये हो गया आपका साइन थीटा। चलिए हम लोग बस इसको साफ करते हुए चलेंगे क्योंकि स्पेस कम है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में जो नहीं आया होगा आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप लोग देख लेंगे। आते हैं कॉस, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन होता है। अब इसको भी करेंगे तो गुणा है वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वन बटा में सेक थीटा होता है। ये बन गया दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तीसरा लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू वन और ये आ जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस थीटा। ये आपका एक ही तीन तीन क्वेश्चन होते जा रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, दो हो गया, तीसरा हो गया। इसको देखिए फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं, इसको साफ करते चलते हैं हम लोगों को क्योंकि दिक्कत नहीं हो समझने में। और यहाँ देखिए टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो भी गुणन है वो कि तो आप कहेंगे कि भाई सब तो बता दिए सर, अब हम तो खुद के बना लेंगे। आप देखते हैं कि आप कैसे कहेंगे, कहेंगे सर इसको तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू वन बटा इसको भेज दीजिए कॉट को, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये दूसरा बन गया, पहले ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब कहेंगे कि सर अभी तो ये भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है, कॉट थीटा इक्वल टू वन, वन बटा इसको भर देंगे यहाँ पे टेन थीटा। कितना क्वेश्चन बन गया, तीन उसमें बता दिए, तीन इसमें बता दिए, तीन इसमें बता दिए, तीन इसमें बता दिए, कितना हो गया, नौ क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं कि इसमें और आगे आते हैं। चलिए यहाँ तो ये था, चलिए इसको बोर्ड को साफ करते हैं आगे आपको बताते हैं। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब देखिए उस समय क्या था कि गुना में था तो वहां चला गया, भाग में चला गया। अब कहेंगे कि सर ये तो आप प्लस में आ गया, ये कैसे जाएगा, आपको ये पता होगा कि जो प्लस में होता है ये इधर माइनस में आ जाता है। अब देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये कॉस थीटा जो है आपका ये इक्वल टू के बाद बराबर के बाद आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र हो गया आपका। दूसरा है कॉस
स्क्वायर इक्वल टू वन, वन जहाँ है वहीं रहेगा और इस प्लस में है इसको हम उधर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन इस पे दे दिया जाए, कहे कि आप सर इसको बनाइए, एक क्वेश्चन दिया जाए कि बनाइए आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां आप देखेंगे कि सूत्र में आपने पढ़ा है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बटा में हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये सही कट जाएगा इक्वल टू वन हो जाएगा। इसको भी चलिए साफ करते चलते हैं। ये प्लस में था, अब माइनस की आपकी बारी है, दिखाते हैं आपको जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। अब देखिए उस समय तो प्लस वाला था, अब क्या है कि माइनस वाला आ गया, अब इसको क्या करेंगे सर, प्लस वाला तो आपने बताया अब माइनस वाला में क्या करना है, अब देखते हैं कि जो आपको पता है कि प्लस में रहेगा उधर जाएगा माइनस में और जो माइनस वाला रहेगा वो कहाँ जाएगा प्लस में। अब इसको देखते हैं कि हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या सेक सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो वन के जगह वन रहेगा, माइनस में टेन तो इसको इधर आ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए कि यहाँ पे टेन है, अब इसको टेन को माइनस उधर भेज देते, एक को इधर भेज देते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में वन है इसको इधर भेज देते हैं तो ये माइनस, और ये माइनस में है इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र आपको भी बताते हैं कि ये माइनस में है इसको यहाँ लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में है तो किसके तरफ जाएगा इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र हो गया आपका। तीसरा सूत्र आपका हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस लगाओ इसको उधर भेजेंगे सर, वन को इधर ले आते हैं कॉसेक कॉसेक स्क्वायर इसको भेजेंगे उधर और इसको भेजेंगे प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में माइनस वन इक्वल टू कॉट कॉट थीटा, ये हो गया आपको कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करके लेकर के आते हैं, फिर कभी अगर आपको अच्छा लगे जब समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।